श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चैत माह की अमावस्या, पहली अमावस्या साल की अमावस्या सोमती अमावस्या बन रहे हैं अद्भुत संयोग। जानेंगे तिथि कि कौन सोमती अमावस्या में पूजा तिथि कौन सी है और स्नान दान का मुहूर्त जानेंगे, पूजा विधि जानेंगे। इसमें अमावस्या के दिन पितरों का दर्पण और पितृदान, काफ़ी सारी पूजा से संबंधित चीज़ें बताई जाएंगी जो चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होने से एक दिन पहले मनाई जाती है। इस अमावस्या को साल की सबसे पहली बड़ी अमावस्या है साल में, तो इसलिए इसको और सोमवार के दिन पड़ रही है इसलिए सोमती अमावस्या है। इसमें आप अगर शास्त्रों के बाद जानते हैं, शास्त्रों के अनुसार अपने हिंदू धर्म में इस दिन पितरों का दर्पण किया जाता है, श्राद्ध किया जाता है और पितरों को कई प्रकार के अगर आप दान पुष्प करना चाहते हैं, स्नान करना चाहते हैं तो इसमें आपको पितरों को शांति मिलती है। हिंदू धर्म में हर अमावस्या का बेहद महत्व माना गया है, लेकिन समी अमावस्याओं में सोमती अमावस्या का अधिक महत्व होता है। साल की पहली सोमती अमावस्या चैत माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को पड़ने वाली है। सोमती अमावस्या के दिन स्नान और दान के अलावा भी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करने का बेहद महत्व माना गया है। अगर आप इस दिन सोमती अमावस्या के दिन भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं तो काफ़ी बड़ा महत्व प्राप्त होता है। इस दिन सुहागन महिलाएं सोमती अमावस्या का व्रत रख भगवान शिव और माँ गौरी की पूजा करती हैं। महिलाएं माता गौरी और भगवान शिव की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा संयोग होता है। शिव और शक्ति की कृपा से उनको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्रदान होता है। विवाह में देर हो रही है या फिर दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या आती है तो उनको सोमती अमावस्या का व्रत रखकर भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। सोमती अमावस्या का व्रत रखने और पूजन करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष रूप से सुहागिनी महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और पीपल के वृक्ष पर पूजा करती हैं। बता दें इस बार सोमती अमावस्या पर सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है और साथ ही हिंदू वर्ष 2024 का ये आखिरी दिन भी होगा, इसलिए चलते हैं शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। सोमती अमावस्या तिथि जानेंगे, पूजा का समय जानेंगे, पारण का समय जानेंगे, श्राद्ध स्नान का तिथि जानेंगे। और उससे पहले वीडियो को स्किप मत करना। चैनल पर पहली बार आए तो झलक दानी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो आपकी इच्छा करे अवश्य लिखे। कहते हैं भगवान शिव की पूजा अर्चना करते ही आपके काफ़ी सारे संकट दूर हो जाते हैं। आपके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो बहुत कोसों दूर चली जाती हैं। भोलेनाथ की ऐसी कृपा रहती है और माँ गौरी की। और अमावस्या का दिन तो बहुत ही उत्तम है, अमावस्या के साथ साथ सोमवार का जो दिन है भोलेनाथ का, ये उससे भी ज़्यादा उत्तम दिन है। ये संयोग और जो ऐसी तिथि बढ़ रही है ये बहुत ही शुभ मंगल में है, तो ये मौका आपको छोड़ना नहीं है दोस्तों। और सबसे पहली बात करते हैं सोमवती अमावस्या के दिन शुभ मुहूर्त की। इस बार यानी साल 2024 में चैत माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 8 अप्रैल को सुबह 3:11 से शुरू हो रही है और ये तिथि उस दिन की रात 11:50 पर ख़त्म होगी। ऐसे में उदय तिथि की ही मान्यता के अनुसार सोमती अमावस्या 8 अप्रैल को है। कोई सा भी त्यौहार उदय तिथि में करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है, तो इसलिए 8 तारीख को अमावस्या का दिन है। अब जानते हैं पूजा का मुहूर्त। इस दिन शिव पूजा का मुहूर्त सुबह 9:13 से 10:48 तक रहेगा। इसके अलावा इस दिन पितरों का दर्पण करना भी बेहद शुभ माना जाता है, जैसे मैंने बताया था पहले भी। और जिनको नहीं है, जो आपको लगता है निगेटिव ऊर्जा ज़्यादा है और या आप बहुत ज़्यादा पितृदोष आपके लग रहा है तो ऐसे में आपको अमावस्या के दिन दर्पण अवश्य करना चाहिए। ऐसे में पितरों का दर्पण लेने का समय सुबह 11:58 से दोपहर 12:48 तक होगा। अगर 11:58 से आप दर्पण कर देते हैं 12:48 तक आपका दर्पण पूरा हो जाएगा। तो इस बीच आप अपने पितरों के लिए दर्पण अवश्य करिए, दान अवश्य दीजिए। अब इस दिन स्नान दान करने का मुहूर्त रहेगा। आपको किस समय आप स्नान करें तो ज़्यादा उत्तम है, आप कर सकते हैं अपने समय के अनुसार, सुविधा के अनुसार। लेकिन आप जब भी गंगा जी वगैरह में या आप जहाँ पर भी गंगोत्री में जहाँ पर भी स्नान कर रहे हैं, कावेरी में, नर्मदा में, यमुना में या भी किसी भी
पवित्र नदी में जहाँ पर आप स्नान कर रहे हैं उसका अगर शुभ मुहूर्त में स्नान करते हैं, सही तिथि में स्नान करते हैं, तो वो आपके पितरों को अवश्य लगती है। इस दिन स्नान दान का मुहूर्त रहेगा सुबह 4:32 तक रहेगा, यानी सुबह 4:32 तक रहेगा। बता दें इस तिथि ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में डुबकी लगाकर स्नान करना अत्यधिक पुष्पदायिनी माना जाता है। इस दिन तीर्थ स्थल पर स्नान किया जाता है, गंगा, सिंधु, कावेरी, यमुना, नर्मदा या फिर कोई भी पवित्र नदी में स्नान करने का अनंत गुना फल सोमती अमावस्या को मिलता है। अगर इस दिन आप स्नान के साथ साथ दान भी करते हैं तो ये भी आपके पितरों के लिए बहुत ही अच्छा है। किसी भी नदी में स्नान करने के बाद अपने पितरों को आप वस्त्र, अनाज, दक्षिणा कुछ भी रखकर अगर दान करते हैं, पिंड दान करवाते हैं या गया जी में आप दान कराते हैं, पिंड दान करते हैं। हिंदू धर्म में सबसे बड़ा तीर्थ एक गया जी है, जहाँ पर कहते हैं कि एक बार अगर वहाँ पिंड दान कर देते हैं तो हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। या आप हरिद्वार में भी, गंगोत्री में, जहाँ पर भी आप पवित्र नदियों की जगह आप अगर दान करते हैं, स्नान करते हैं, तो वो आपके पितरों को फलीभूत होता है और वो स्वीकार करते हैं। सोमती अमावस्या को पूरे दिन पंचंग है, सोमती अमावस्या का स्नान और दान भी पंचंग में ही करना होगा। पंचंग में दक्षिण दिशा में यात्रा वर्जित मानी जाती है, लेकिन जब भी आप दान कर रहे होते हैं या स्नान कर रहे होते हैं, स्नान के बाद जब भी आप पितरों के लिए जल अर्पण कर रहे होते हैं तो आपका मुख दक्षिण को होना चाहिए। दक्षिण दिशा में पितरों के लिए माना गया। अगर आप किसी और दिशा में करते हैं तो आपका दान स्नान कुछ भी नहीं लगता, पितरों के लिए दक्षिण दिशा मानी गई है। इस बार सोमती अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का संयोग भी बन रहा है, लेकिन ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, लेकिन इस बार नहीं दिखाई देगा, इसलिए यहाँ इसका कोई भी महत्व जैसे छूतक आदि मान्यता नहीं होगी। इसमें कई दर्शकों में एक बार सोमती अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का दुर्लभ संयोग बनता है। हिंदू पंचांग के अनुसार 8 अप्रैल सोमवार हिंदू वर्ष 2080 का अंतिम दिन रहेगा। इसके अगले दिन यानी 9 अप्रैल मंगलवार से विक्रम संवत 2081 शुरू हो जाएगा। साल के अंतिम दिन सोमती अमावस्या को होना है, एक दुर्लभ संयोग है। कई सालों में ऐसा योग बनता है, इतने सारे योग चलते हैं। ये दिन स्नान, दान, पूजा और उपाय आदि के लिए भी बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। बताते हैं इस बार सोमती अमावस्या वाले दिन इंद्र और उत्तम भार प्रदा नक्षत्र है, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है। इंद्रयोग 8 अप्रैल को प्रातः काल से लेकर शाम 6:14 तक रहेगा। वही उत्तर भाद्रपद नक्षत्र प्रातः काल से लेकर सुबह 10:12 तक रहेगा। इसके बाद रेपती नक्षत्र है। इंद्रयोग को शुभ और सुख सुविधाओं में वृद्धि वाला माना जाता है। कहते हैं अगर आप कुछ मंत्रों का जाप कर लें तो आपके इस दिन आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, किसी भी परेशानियों से आप निजात पा जाएंगे। और ये सोमती अमावस्या का दिन बहुत ही उत्तम है, साल का पहला दिन है और इस दिन चैत नवरात्र अगले दिन से प्रारंभ होने जा रहे हैं, तो आप अपनी सारी परेशानियां इस दिन करके आपको ये 5 मंत्रों का जाप करना है। अगर आप इनमें से एक का भी जाप कर लेते हैं तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। स्क्रीन पे ये आपको मंत्र चल रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, नोट कर लीजिए और इनका जाप अवश्य करिए। आपके जीवन में काफ़ी सारे बदलाव आएंगे और प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप अवश्य बदलाना आपके जीवन में क्या बदलाव हुए। पहला मंत्र है ओम कुल देवताभ्य नमः। इस मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है, 11 बार। दूसरा मंत्र है ओम ग्राम देवताभ्यम नमः, ये आपको 11 बार ही ये मंत्र करना है। तीसरा मंत्र ओम ग्रह देवताभ्यम नमः, ये ग्रह के देवता जो होते हैं उनके लिए है। चौथा मंत्र है ओम लक्ष्मी पति देवताव नमः, ये लक्ष्मी के लिए है जिससे आपको धन की प्राप्ति हो। ओम विधंग विनाशक देवताभ्यम नमः, ये विघ्नहर्ता गणेश जी के लिए है कि आपके जीवन में आप कोई भी दुख
परेशानियां दूर हो जाएं। आपका पांचों मंत्र को 11 बार ही मंत्र का उच्चारण करना है, देखना आपके जीवन में बदलाव आएगा। आप इससे ज्यादा कर सकते हो कर लीजिए, लेकिन इतने 11 बार आप मंत्रों का उच्चारण अवश्य करिए। इस सोमवती अमावस्या पर आप अपने पितरों के लिए एक लोटा जल अवश्य देना दक्षिण दिशा की तरफ। हो सके तो स्नान अवश्य करना, हो सके तो दान अवश्य करना, फोर्स किसी को नहीं करनी। अगर करते हैं तो आपके जीवन में बदलाव काफी आएगा, आपको सुख शांति समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होगी। इस बार सोमवार का दिन है, भगवान शिव की आराधना का दिन है। अगर आप करते हैं तो भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा और मेरी उम्मीद मेरी आशा आप लोगों के जीवन में अच्छा हो, बेहतर हो, यही मैं आप लोगों के लिए प्रे करती हूँ। और जय, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मैं कुछ और अलग आपके लिए आपकी खुशियों के लिए लाती रहूंगी। जनकदानी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करिए, ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और पूजा से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।